स्टूडेंट, जैसा कि आप देखें पिछले स्टेप में मैंने इस फ्रूट कॉम्बिनेशन का स्केच किए, तीन फ्रूट्स को सजाकर बनाया गया स्केच है स्टूडेंट। तो इस स्केच को आज आपको कलरफुल में परिवर्तन करना है, तो कलर में आपको बनाना है स्टूडेंट कौन सा फ्रूट्स कौन सा कलर होगा, ये चीज़ आज इस वीडियो में बताया जाएगा स्टूडेंट, जो कि आपको अच्छे से देखना है और समझना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अमरूद, सेब और केले, ये तीन फ्रूट्स हैं जो कि रखा हुआ है कॉम्बिनेशन बनाकर इस पेज में। तो इसको आज कलर करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए अमरूद का कलर लाइट ग्रीन होता है, जिसमें आपको आज बताया जाएगा कि लाइट ग्रीन किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे देखिए स्टूडेंट एक प्लेट लेना है, उसमें आपको बहुत सारा कलर लेना है, जैसे कि देखिए लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन को क्या करना है, बनाना होता है वाटर कलर में। तो देखिए ये लाइट येलो है, लेमन येलो, लेमन येलो को इस तरह आपको मोटा ब्रश लेना है 6 नंबर, और ब्रश में आपको कलर को इस तरह मिलाना है देखिए। और देखिए यहाँ सेब ग्रीन है, सेब ग्रीन को आपको इस तरह लेना है देखिए, हल्का हल्का ले लेना है सेब ग्रीन को, और फिर लेमन येलो यानी लाइट येलो में आपको मिक्स करना है हल्का हल्का, ये देखिए स्टूडेंट इस तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए जो कलर बनेगा वो कलर को हम अमरूद के ऊपर इस तरह चढ़ाना है देखिए, लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट, ये देखिए 6 नंबर ब्रश से आपको, अगर सुविधा नहीं हो रही है तो इसे पतला ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं। 6 नंबर ब्रश इसलिए लिया जाता है कि बड़े जगहों में जल्दी से वो कलर हो जाती है, वाश हो जाती है स्टूडेंट। तो जैसा कि देख रहे हैं कलर लेने के बाद पेंटिंग में मैंने वाश करना शुरू किए, जिसमें कि एक साइड डीप एक तरफ लाइट हो रहा है स्टूडेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसा कि देख रहे हैं देखिए पानी ले रहे हैं लगातार, उसको लाइट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको इस अमरूद को कलर करना है, अमरूद का कलर इस तरह होता है। अगर इसको और थोड़ा पका हुआ बना सकते हैं तो थोड़ा येलो और कर सकते हैं, तो येलो की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी है। जैसे देख रहे हैं देखिए येलो को ब्रश में एकदम अच्छे से मिला के, ये देखिए ब्रश से, और इसको और अच्छे से हम येलो को चला रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट इस तरह आपको अमरूद को अच्छे से कलर करनी है। और ये देखिए तो उसके बाद स्टूडेंट सेब ग्रीन को हम थोड़ा और ले लेंगे, सिर्फ सेब ग्रीन, और उसको साइड से देखिए, ये देखिए साइड से इस तरह आप कलर कर सकते हैं, ताकि डीप लाइट का कॉम्बिनेशन हो है जो वो आपको पता चलेगा, ये देखिए इस तरह आप इधर भी दे सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद जहाँ कलर जमा हुआ लग रहा है वहाँ धीरे से मोटा ब्रश लेकर आपको इस तरह खींच लेना है, फैला लेना है। तो इस तरह आपको कलर करनी है, अभी आपको फिर सूखने देना है, तब तक आपको एप्पल में कलर करनी है स्टूडेंट। एप्पल रेड कलर का होता है या ग्रीन भी होता है स्टूडेंट, अदर कलर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट हम रेड कलर करेंगे मैं, तो आपको इस तरह आपको देखना है रेड कलर किस तरह किया जाए। तो देखिए रेड कलर जो है यहाँ हमको मिक्स करना है इस तरह देखिए, ये देखिए मोटा ब्रश लेना है और रेड कलर को इस तरह आपको मिक्स करते हुए, ये देखिए स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कलर जो है लाइन से बाहर बिल्कुल भी ना जाए, ये देखिए स्टूडेंट इस तरह को धीरे धीरे करना है, लाइन से बाहर बिल्कुल भी कलर ना जाए, ये देखिए इस तरह। अब फिर उसी विधि में करना है कलर, पानी लेना है उसको फिक्का करते हुए जाना है देखिए, ये देखिए
जैसे कि आप देख रहे वीडियो में कलर को किस तरह फीका किया जा रहा है पानी लेकर, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लाइन से बाहर नहीं कलर को निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर कलर में, वाटर कलर में स्टूडेंट वाइट का वाइट का यूज जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपको ध्यान से बनाना है। देखिए जैसे कि हम इसमें चढ़ाने के बाद, रेड चढ़ाने के बाद उसको फीका कर दिए पानी लेकर, अब सूखने के लिए दे रहे हैं, तब तक हम ब्राउन कलर ले लेंगे थोड़ा सा और इसके डंटी में कलर करेंगे। इसमें भी आप मोटा ब्रश का यूज कर सकते हैं या फिर पतला ब्रश का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब केले में कलर करेंगे। केले में देखिए पका हुआ केला पूरा येलो होता है और सिंगापुरी केला जो होता है पकने के बाद भी उसका छिलका ग्रीन होता है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देसी केला पकने के बाद येलो हो जाता है, तो मैं इसमें येलो कलर करने जा रहा हूँ। देखिए डार्क येलो, ये देखिए येलो ले लिए हैं। अब येलो को हम पहले पूरा में वाश करेंगे यानी चढ़ाएंगे केले में। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, इस तरह इसको अब वाश करेंगे, पानी लेंगे, पानी लेने के बाद इसको हम फिक्का करेंगे यानी नीचे की ओर खींचेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह आपको खींचना है और बनाना है। ये देखिए, इसको और थोड़ा फिक्का कर लेना है। ये देखिए तीसरा स्टूडेंट, आपको कलर कॉम्बिनेशन को मिलाना है और अभी सूखने के लिए देना है। तब तक फिर स्टूडेंट अब हम जीरो नंबर ब्रश लेंगे और उससे हम जो जो फ्रूट्स सूख गया है फ्रूट्स का कलर उसमें कलर करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं एप्पल में हम कलर करेंगे, एप्पल में रेड लेंगे। अब ये देखिए, और इसको हम साइड से लाइनिंग खींचेंगे इस तरह। ये देखिए, इस तरह खींचेंगे और अब फिक्का नहीं करना है यानी पानी की मात्रा को हमको ज़्यादा मिलाना नहीं है। अगर कहीं ज़्यादा डार्क लग रहा है तब आपको हल्का पानी मिलाना है। ये देखिए स्टूडेंट, तो इस तरह आपको कलर करना है। ओनली रेड कलर लेना है, देखिए रेड कलर। कलर को मिक्स करने के लिए पानी का यूज करें लेकिन बहुत कम यूज करें। अभी वाश नहीं करना है आपको, जैसा कि वीडियो को आप में दिखाया गया है उसी तरह आपको वीडियो को फॉलो करते हुए आपको अच्छे से बनाना है। ये देखिए स्टूडेंट, इधर हमको पूरा लाइट करना है, तो लाइट करने के लिए हमको पानी फिर लेना है और इसको हम लाइट करेंगे। और जहाँ डार्क करना है स्टूडेंट वहाँ पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करें, अगर यूज करने की ज़रूरत हो तो एकदम हल्का सा यूज करें, ज़्यादा ना यूज करें। तो इस तरह देखिए फ्रूट्स डीप लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाया गया। अब इसमें देखिए अमरूद में डीप किस तरह किया जाएगा, एक तरफ ये देखिए इस तरह आपको अमरूद में भी करना है। अमरूद में कुछ खास ज़्यादा नहीं करना है आपको, ये देखिए। केले में ब्राउन कलर से आपको लाइनिंग खींचना है स्टूडेंट, ओनली लाइनिंग इस तरह। ये देखिए,
किस तरह का लाइनिंग आपको खींचना है केले में, ब्राउन कलर से खींचना है स्टूडेंट, इस तरह। ये देखिए इसमें हो सके तो येलो ऊपर से आप दे सकते हैं, कहीं कहीं टच कर सकते हैं येलो, ये देखिए, और थोड़ा ग्रीन का मात्रा आप इसके डंटी में दे सकते हैं इस तरह, और नीचे में भी दे सकते हैं आप यहाँ भी। तो इस तरह आपको इस फ्रूट्स को कंप्लीट करना है वाटर कलर के माध्यम से, और वाटर कलर को किस तरह यूज किए हैं इस वीडियो में आपको, जैसे कि आप देख ही चुके हैं वीडियो में कि वाटर कलर में किस तरह कलर को वाश किया जाता है, डीप लाइट किया जाता है, और वाइट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करते हुए अच्छे से इस पेंटिंग को बनाएं और सुंदर से बनाएं।